नमस्ते, टेस्टी सफर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको सबके फेवरेट पराठे दिखाने वाली हूँ, आलू के पराठे। सबसे पहले हम आटा गूंद लेंगे। 2 कप गेहूं का आटा है, 2 टेबलस्पून तेल, पानी लेना है, हमारा आटा गूंद के हो चुका है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए बाजू में रखते हैं और अंदर का स्टफिंग कर लेते हैं। एक बॉल में मैंने 4 उबले हुए आलू मैश करके लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कसा हुआ प्याज, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून लहसुन फ्रेश, 1/2 टीस्पून अदरक क्रश, 1 टीस्पून हरी मिर्च क्रश, थोड़ा सा धनिया पत्ता, नमक स्वादानुसार। थोड़ी सी खटास के लिए 1/2 नींबू का रस। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम पराठे बेल लेते हैं। यहाँ मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम पराठे को बेल लेते हैं। पहला आटा लेते हैं, आटे का छोटा बॉल लेना है, एकदम बड़ा भी नहीं लेना है। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है, बेलन से अच्छे से बेल लेते हैं। ये रोटी छोटी ही रखनी है। अब ये स्टफिंग लेते हैं। अब इसको अच्छी तरह से लपेट लेते हैं। इसको पूरी तरह से पैक करना है और अभी हम इसे बेल लेते हैं। फिर से थोड़ा सा मैदा लिया है मैंने, इसे हल्के हाथ से बेलना है ताकि ये फट ना जाए। ज्यादा पतला भी नहीं करना है। तवा गर्म हो चुका है, हम इसमें डाल देते हैं। एक तरफ से होने के बाद हम इसके ऊपर तेल डालेंगे। अच्छी तरह से घुमा के पूरी तरह से सेक लेना है। अब थोड़ा सा तेल डालेंगे। इसे पलट लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी के पराठे बना लेते हैं। ये हो गए हैं, अब हम निकाल लेते हैं।
पराठे आप घी और बटर लगा के खा सकते हैं, नहीं तो दही और अचार के साथ भी खा सकते हैं, कैसे भी खा सकते हैं, लेकिन जरूर बनाइए और टेस्टी सफर को सब्सक्राइब कीजिए।